जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, पिंकी एंड क्रंची में आप सबका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आई व्रत की पकौड़ियों की रेसिपी। देखिए आवाज से पता चल रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है। और हम बनाएंगे व्रत की लौकी की खीर की रेसिपी, तो चलिए दोनों रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये हमने व्रत की पकौड़ी बनाई है कूटू के आटे और सिंघाड़े के आटे को मिक्स कर, और ये हमने मूंगफली की चटनी बनाई है। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हमने एक बर्तन ले लिया है बड़ा सा और इसमें डालेंगे आधा कप कूटू का आटा और ये हमने आधा कप सिंघाड़े का आटा ले लिया है, टोटल 1 कप। 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो हरी मिर्च को कम कर दें। 1 छोटी चम्मच नमक, ये फास्ट वाला नमक है, सेंधा नमक। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालें। और एक हमें बैटर तैयार करना है, हमें बहुत ज्यादा इससे पतला बैटर नहीं बनाना है, एकदम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो पानी को थोड़ा थोड़ा कर डालें और अच्छे से मिक्स करते जाएं। देखिए हमने बैटर एकदम तैयार कर लिया है, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी, और एकदम बैटर हमारा बढ़िया से रेडी हो चुका है। और इसे अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज के आलू को और अच्छे से छील कर धोकर बीच में से कट करने के बाद इसे इस तरीके से हमने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखा है। देखिए इस तरीके से रखा है इन्हें हमने। तो चलिए शुरू करते हैं हम व्रत की पकौड़ियां बनाना। 5 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है, गैस ऑन कर ली है और गैस में रख लिया है हमने कुकिंग ऑयल। ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी का यूज करें फास्ट में पकौड़ियां तलने के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम आलूओं को थोड़ा सा डालकर अच्छे से कोट कर लेते हैं इस तरीके से। और अब देखिए एक एक आलू उठाएंगे और बढ़िया से कोट करेंगे इस तरीके से और ऑयल में छोड़ देंगे। इस तरीके से बनाने से आपकी पकौड़ियां बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, व्रत में आपको इसे बार बार बना के खाने का मन करेगा। इसे हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, फ्लेम को हमने लो ही रखा है। तो देखिए हमारी पकौड़ी एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, इन्हें पलट देते हैं। इसे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें सेकना है और लो फ्लेम पर सेकने से ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा आलू अंदर से और ये पकौड़ियां बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो सभी पकौड़ियों को हम अच्छे से पलट देते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो देखिए हमारी पकौड़ियों का कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये बहुत ही अच्छे से सेक चुकी हैं एकदम। और अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। व्रत में आप कोशिश करें कि आप स्टील के या फिर आयरन के बर्तनों का यूज करें, प्लास्टिक के बर्तन को यूज ना करें। तो देखिए बहुत ही अच्छी पकौड़ियां एकदम बनकर तैयार है, एकदम क्रिस्पी। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं क्योंकि ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है और दोबारा तलने के लिए डाल देते हैं पकौड़ियों को। सेम प्रोसेस, एक एक आलू उठाएंगे, अच्छे से कोट करेंगे और ऑयल में से तलने के लिए डाल देंगे। देखिए
पकौड़ियाँ हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और पकौड़ियों को पलट देंगे। फिर इन्हें लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक और इन्हें अच्छे से कुक होने तक इन्हें हम पकौड़ियों को पकने देते हैं। इसी तरीके से हम सभी पकौड़ियों को तलकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारी व्रत की पकौड़ियाँ एकदम तैयार हैं। लौकी की खीर बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी लौकी ली है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये हमने एक ग्लास दूध लिया है फुल क्रीम। ये हमने केसर लिया है दूध में भिगो के। एक कप चीनी, एक चम्मच घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपने मन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पैन ले लिया है हमने, गैस ऑन करते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें लौकी डालेंगे। घी में लौकी को आधा मिनट भून लेते हैं। इससे क्या होता है, लौकी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और खीर भी बहुत स्वाद बनेगी। तो आधा मिनट के लिए भून लेते हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना ले लें। अब इसको चलाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम रख लेंगे। लौकी को शुगर के साथ 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। बीच बीच में से चलाते रहेंगे। लौकी को चीनी में पकाने से ये होता है कि लौकी के अंदर तक चीनी चली जाती है और लौकी में एक कच्चापन जो लगता है ना वो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें दूध डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे जब तक हमारी खीर रेडी ना हो जाए। खीर में उबाल आ चुका है, अब फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और जो बच्चे लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको अगर आप इस तरीके से बना के और फ्रिज में ठंडा करके देंगे तो बच्चा बहुत ही पसंद से खाएगा, क्योंकि ये लौकी से बनी है तो ये बहुत पौष्टिक भी है। तो एक बार जरूर ट्राई करें। 4 मिनट हो चुके हैं और लौकी की खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें जो हमने केसर का दूध बनाया था उसको ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, मिक्स कर देते हैं। खीर बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी केसर की खुशबू आ रही है। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और खीर को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। लौकी की खीर बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, एक बार जरूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।